हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज हम बात करने जा रहे हैं बाड़मेर से एक बड़ी ही अनोखी रेस्क्यू ऑपरेशन की, जिसमें नागराज को बचाने के लिए एक शख्स पाताल में उतर गया। 100 फीट कुएं में एक नागराज प्रेमी शख्स की अनोखी कहानी है ये। हम आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं जो कि नागराज से प्रेम करता है, जो कि नागराज के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा सकता है। पूरा बाड़मेर शहर और आसपास के लोग नागराज को पकड़ने के लिए नहीं, उसी को बुलाते हैं। वन विभाग से पहले लोग उसको फोन करते हैं। आज तक उसने सैकड़ों नागराज को बचाया है। आप और हम जैसे लोग तो नागराज को देख के डर जाएंगे या तो मार देंगे, लेकिन वो नागराज को बचाने के लिए पाताल में उतर जाता है। ऐसे शख्स ने जो मंगलवार को किया, उसको देखकर सब हैरान है अब तक। जब दीपक को सूचना मिली कि नागराज कुएं में अंदर 100 फीट नीचे फंस गया है, तो वो तुरंत शहर से 10 किलोमीटर दूर पहुंचा और फिर शुरू हुआ दुनिया का सबसे अनोखा रेस्क्यू ऑपरेशन। बाड़मेर के दीपक सेन का सांपों के प्रति इतना प्रेम बढ़ गया है कि उसने पाताल से भी सांप को ढूंढकर निकाल लिया। 100 फीट गहरे कुएं के अंदर रस्सी के सहारे जाकर जिंदा सांप को पकड़कर दीपक ने बाहर निकाला। दरअसल बाड़मेर के आटी गांव में एक किसान की खेत के अंदर बने कुएं में कुछ समय पहले एक सांप गिर गया था। किसान जोगाराम ने इसकी सूचना दीपक सेन को दी। दीपक तुरंत वहां पहुंचा और रस्सी के सहारे कुएं में उतर गया और जिंदा सांप को पकड़कर बाहर लेकर आया। दीपक के अनुसार कोबरा प्रजाति का ये सांप अगर किसी इंसान को काट लेता है तो उसकी 2 घंटे के अंदर मौत हो जाती है। आपको बता दें कि दीपक ने इससे पहले करीब 1,500 से अधिक जिंदा सांपों को पकड़कर सुनसान झाड़ियों में फेंका है। दीपक सेन अभी तक सैकड़ों नागराज को पकड़ चुका है, वो भी निशुल्क। यहाँ तक वन विभाग भी उसकी मदद लेते हैं। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। देखो जागरूक, बनो जागरूक।